नववर्ष के शुभ आगमन पर आप सभी सखियों का और हमारी प्रिय सखी मीनाक्षी पंजवानी जी का बेहद से आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ कि आपने यहाँ आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमारी सखियों ने आज जिस तरह से आज अपनी सुंदर गायकी के माध्यम से यहाँ पर जो एक रोमांचक प्रोग्राम दिया और आज नववर्ष की वेला पर एक खुशनुमा और एक खूबसूरत सा वातावरण निर्मित किया, उसके लिए संचालन कमेटी आप सभी सखियों का तहे दिल से अभिनंदन करती है और नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती है। नया साल जो होता है वो हमारे जीवन में सिर्फ दिन तिथि या कैलेंडर बदलता हुआ ही नहीं आता, बल्कि हमें हमारे अंतर्मन के विचारों को नियंत्रित करते हुए संकल्पित भाव से निरंतर सन्मार्ग पर आगे चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए आज हम सब सखियाँ झांसी के वृंदावन लाल वर्मा पार्क में एकजुट होकर ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने अंदर के अहम को, बदले की भावना को, ईर्ष्या को, क्रोध को, नफरत को, इन सभी दुर्भावनाओं का पूर्ण रूप से हनन करेंगे और अपने आसपास के दीन दुखी, बेबस, असहाय या किसी मासूम बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, कोई महिला यदि पीड़ित होती है तो उसकी मदद करेंगे, उसकी परेशानी को ना केवल ध्यान से सुनेंगे, गंभीरता से सुनेंगे, बल्कि अपने अपने स्तर पर उसे दूर करने का भी भरकर प्रयास करेंगे। तो सखियों, निश्चय ही ये जो नया साल है वो हमारे ही जीवन में नहीं बल्कि हमारे अपनों के जीवन में भी सुख, संपन्नता, समृद्धि, वैभव और भी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी। और आज मैं ईश्वर से तहे दिल से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि विगत कई वर्षों से जो आपकी अभिलाषाएं अधूरी रह गई, जो स्वप्न आपके दिल में दबे रह गए, वह सभी इस नए वर्ष में पूरे हों और आपको सदा ही अपनों का साथ, प्रेम और सम्मान मिले। आपकी हर खुशी, आपकी हर चाहत पूरी हो, कभी भी कोई भी गम आपको छूकर ना निकले। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, आंखों की जो चमक है, सूरज के प्रकाश की तरह चमक रही है। इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं आपका सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे काबिल समझा और मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेटी का। और आगे आज के टाइम में, मतलब जैसे दिख रहा है इतनी सारी महिलाएं साथ में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एक टाइम होता था पुराने ज़माने में महिलाएं बाहर आती नहीं थी, घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी, बच्चे को खाना देना है, बच्चा स्कूल से आएगा, आदमी आएगा, भाई आएगी, दूध वाला आएगा, इस सब में लगी रहती थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब इकट्ठा होके यहाँ पे आए हैं और अपना जीवन अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। औरतों आज के टाइम में औरतें सब जगह पे हैं, किसी भी क्षेत्र में देखिए सब जगह आगे हैं और हम जैसे औरतों जैसा काबिल कोई भी नहीं है। महिलाएं देखिए आज की परिवार भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, घर परिवार संभालती हैं और बाहर के काम भी उतनी ही अच्छी तरीके से करती हैं। हम इस काबिल हैं और हमको करना चाहिए। बस थोड़ा सा एक मेरा आपसे गुजारिश होगी, हम औरतें अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, कोई चीज़ खरीदनी होती है, कुछ हमको कहीं जाना आना होता है तो हम हमेशा बच्चों के लिए करेंगे, परिवार के लिए करेंगे, पर अपने लिए संकोच करते हैं, अपने लिए हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, अपने लिए हम खर्च भी नहीं करते। आप अपने लिए जिए, अपने लिए खर्चा करिए और अपना जीवन अच्छा बनाइए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप इतने काबिल हैं कि आप सब कर सकते हैं, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। आज की महिला सब कर सकती है, अपना जीवन अपने हिसाब से आप जिए, ठीक है, सबकी मदद करिए, सबको परिवार को देखिए, पर अपने लिए जिए। जो आपको पहनना है वो जरूर पहनिए, जो आपको खाना है वो जरूर खाइए, जिस सहेली के पास आपको जाना है आप जरूर जाइए, घूमिए फिरिए, अपना समय अपने लिए जरूर निकालिए। यही जीवन है, यही पल है जीने का और इसको ही समय को पकड़िए। समय ये मत सोचिए कि आगे क्या, और बंधे मत रहिए किसी से, क्योंकि पुराने जमाने हमने देखा है औरतें बहुत बंधी हुई रहती हैं, अभी भी हमारे दिल में है ये
अभी भी हमारे बहुत लोगों के बीच में यही होगा कि टाइम कितना हो रहा है, घर चले जाए, चाय तो नहीं पिलानी है, बाइक तो नहीं आ जाएगी, रात की सब्जी क्या बननी है, कपड़े बाहर से उठाए होंगे कि नहीं उठाएंगे, पीले हो गए होंगे। तो जब आप निकल के आए हैं तो सब चीज पीछे छोड़ दीजिए, अपना मन जो है खुशी में लगाइए। जितना आप खुश रहेंगे उतना आप अच्छे से अपने परिवार को देख पाएंगे, और आप स्वस्थ हैं तो परिवार स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है। आप स्वस्थ, आप अगर इतनी चिंताएं लेंगे तो आप बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ आएंगे। और मेरी बात मानिए, जब तक आप सबकी सेवा कर रहे हैं, जब तक आप सबके लिए कर रहे हैं, तब तक आप बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आप मना कर देंगे, जिस दिन आप बेड पे पड़ जाएंगे, जिस दिन आपको जरूरत होगी, आपका अपना पति, आपका अपना बच्चा भी आपका नहीं रहेगा। दो दिन सेवा करेगा, तीसरे दिन वो भी परेशान होगा। इसीलिए आपको अपना ध्यान रखना है, अपना खुश रहना है, सब चीजें छोड़िए। आप हम लोग जितने ऑर्गेनाइज्ड हैं अपना कोई भी नहीं है, जितने काम हम लोग कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो आप, भगवान ने आपको ये जो जीवन, औरत का जीवन दिया है वो बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं। हमारे पास जितनी ताकत है वो किसी भी आदमी जात में नहीं है। तो हमको अपना ख्याल रखना है, खुश रहिए और अपने ऊपर जितना भी कर सकते हो अच्छे से तैयार हो जाइए, अपने आप को निहारिए, किसी और के लिए नहीं, अपने अपने, ठीक है। ये हमको भगवान ने दिया है, जैसा भी रंग आया जो भी है उसमें हम खुश रहने चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू मैम।